दुनिया का सारा निज़ाम आपकी सेहत पर है अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो दुनिया की तमाम आशाइश व आराम आपके लिए बेकार हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला रसूल सल्हसरा राजम व हो वजह एक तनम खमसन क़बला खमसन शबाब काबला हरमिका व सेहत का कबला साकमिका व गना का कबला फ़कर का व फ़राग का, का कबला शुगली का व्यात का कबला मौतिका और कमह कला नबी सल्ह वसम हजूर सल्ह वसम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि पांच चीज़ों को पांच चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो और इनको दीन के कामों का हिस्सा बना लो जरिया बना लो नंबर एक बुढ़ापे से पहले जवानी को नंबर दो बीमारी से पहले तंदरुस्ती को नंबर तीन फकीरी से पहले गिना को नंबर चार मशगूलियत से पहले फुरस्त को और नंबर पाँच और अहम बात अपनी मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो तो मेरे भाइयों दोस्तों ख़वान वजरात नाजरीन मेरे चाहने वाले आप जो है अपनी सेहत का ख़ास ख्याल कीजिए और अपनी सेहत के लिए एक मखसूस बजट बनाइए हम गाड़ी का बजट बनाते हैं महाना यूटेलिटी बिल का बजट बनाते हैं बच्चों की फ़ीस का बजट बनाते हैं रेंट का बजट बनाते हैं तो आप अपनी सेहत का बजट बनाइए कुदरती चीज़ें घर में रखिए और केमिकल के चीज़ें और आर्टिफिशियल चीज़ों से आप बच जाइए पाकिस्तान में शराय अमवात जो हैं 2016 की डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट है 29% परसेंट जो है दिल के अमराज से लोगों की डेथ हुई 2016 में और 8% परसेंट कैंसर से 5% परसेंट सांस की बीमारियों से तीन परसेंट डायबिटीज़ पेशेंट मरे नाकबल तरसील बीमारियाँ ना गैर मुतदी बीमारियाँ ना फैलने वाली बीमारियाँ नान कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उसमें बारह परसेंट लोग थे और कम्यूनिकेबल डिजीज़ फैलने वाली बीमारियाँ मतदी बीमारियाँ क़ल तरसील बीमारियाँ जो हैं उसमें थर्टी फाइव परसेंट जो है लोग मुबला होकर मरे हैं इसी तरह जो है इंजरीज़ में हाथ साथ में जो लोगों की डेथ हुई है 2016 में वो 8 परसेंट लोगों की डेथ हुई है 2016 में 14 लाख तीन हज़ार लोग मरे हैं जबकि 2016 में पाकिस्तान की जो आबादी थी 19 करोड़ 32 लाख आबादी थी और सबसे अहम बात है अमेरिका जो इस टाइम अपने आप को सुपर पावर समझता है उसका निज़ाम भी सारा सेहत का फेल हो चुका है 2018 में जो है छः लाख पचपन हज़ार लोग जो है अमेरिका में नौजवान सिर्फ सिर्फ नौजवान लोग हार्ट अटैक से मरे दिल के अमराज से मरे और अमेरिका में भी 31 परसेंट जो है दिल के अमराज के लोग पाए जाते हैं और इस तरह एक दूसरी रिपोर्ट है अमेरिका में जो है थर्टी पॉइंट थ्री यानी सवा तीन करोड़ से ज़्यादा जो हैं लोग, लोग नहीं सिर्फ नौजवान अमेरिका में दिल के मराज में लोग मुफ्तला हैं ये 2018 की रिपोर्ट है सिर्फ नौजवान अमेरिका में 36 सेकंड में एक मरीज दिल के अटैक से मरता है अमेरिका में चार अमवात में से एक मौत जो है दिल के आर्जा से होती है ये मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं यानी एक तरफ जो है एक मिनट में जो है चार से पाँच अफराद पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मर रहे हैं दूसरी रिपोर्ट ये है कि ग्यारह सौ लोग रोज़ाना हार्ट अटैक से मर रहे हैं दिल के अमराज से मर रहे हैं तीसरी रिपोर्ट जो है प्रोफेसर खाबर काजमी साहब की है अगर उसको भी देखा जाए तो फिर जो है ये हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं पाकिस्तान में दिल के अमराज से लोग मर रहे हैं मेरा आप तक मालूम देना काम है मेरे नबी सल्ह वम ने फरमायालबा फ़रीज महद अल इलम हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक तो लाखों रुपए टेस्ट कराने से पहले अपनी हाथ की लकीरों को जरूर देखिए कहीं इस तरह की साख जो है साख तो नहीं है आपकी हार्ट लैन पर दिस इज हार्ट लैन दिल की लकीर की अगर इस तरह की साख्त हो जैसे ये है इसको हम नंबर कर देते हैं नंबर वन पर लकीरें बनी हूं आर पार हो इस तरह की हो तो ये ऐसे शख्स को इंडिकेट करती है जो दिल की बीमारियों में मुबला रहेगा ऐसे शख्स को असाबी और जिसमानी सदमे होंगे और सेहत याब भी नहीं हो पाता ऐसा शख्स जो है तवील मुद्दत तक जो है ऐसा शख्स बीमारियों में मुफ्तला रहता है ऐसे शख्स को कन्फर्म बात है असाबी और जिसमानी दिल के सदमे पहुँचेंगे हाथ की लगीर अगर इस तरह की हो यानी हार्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ आर पार जैसे आरी से काटते हैं इस तरह की लाइन हो तो ये ऐसे शख्स को असाबी और दिमागी और दिल की बीमारियां हो सकती हैं ये कन्फर्म बात है ये ना तो अचानक मौत की निशानी है ना ही जानलेवा हादसे की मगर ऐसा शख्स जो है तवील मुद्दत तक बीमार रहता है ऐसे शख्स को दिल की बीमारियां होंगी असाबी और जिस्मानी बीमारियों में मुबतला रहेगा सेहतियाब भी नहीं हो पाता तवील उम्र तक ऐसा शख्स बीमार रहता है इसी के साथ ही नंबर फोर पर है हार्ट लाइन जो है ये सेटन फिंगर के नीचे जो है हार्ट लाइन जो है आपस में अलहदा हो जाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो बल्कि अलहदा अलहदा हों और एक दूसरे को हाथ से तजावुज़ कर जाएं दरमियान में तजावुज़ कर जाएं एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं तो ये बहुत ख़तरनाक लाइन है ये हार्ट की लाइन जो है ये दिल की बीमारियों के साथ साथ खून का कैंसर भी हो सकता है खून की कोई बीमारी भी हो सकती है यानी खून का कैंसर ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की यह कन्फर्म बात है ऐसा शख्स तवील मुद्दत तक बीमार रहता है नंबर फाइव पर यह हार्ट लाइन अगर इस तरह की हो यानी दिमाग की लकीर से जुड़ कर जो है फिर अलहदा हो जाए यूं ऊपर उठे तो ये बहुत मनो सलामत है ये अचानक हादसा या अचानक आदमी की डेथ हो सकती है दिल की बीमारी में मुबतला हो सकता है अचानक कोई और हादसा भी हो सकता है तो ये जानलेवा है नंबर सिक्स पर है ये लाइन अगर दिमाग की लकीर के ऊपर चढ़ जाए ये हार्ट लाइन है और ये दिमाग की लकीर के ऊपर चढ़ी हुई है ये कन्फर्म बात है ये हार्ट अटैक की अलामत है हार्ट अटैक के अलावा जो है ऐसा शख्स जो है आए दिन उसको सेहत के मसायल रहते हैं यानी वो सेहत याब नहीं हो पाता कभी पेल्पिटेशन कभी ब्रेडी कार्डिया कभी इंजेनोपैक्टोरिस कभी हाइपर कभी हाइपर कभी जो है ना स्टमक का मसला कभी लीवर का मसला कभी डायबिटीज़ तो तवील मुद्दत तक ऐसा शख्स बीमार रहता है और आखिर जो है मौत की नींद ही उसे सुकून दे सकती है नंबर सेवन पर है ये नंबर सेवन और ये हार्ट लाइन है ये हार्ट लाइन इस तरह हो हार्ट लाइन जो है टी मेड़ी होकर दिमाग की लकीर से मिलकर झुककर फिर ऊपर उठे तो ये बहुत मनो सलामत है ऐसा शख्स जो है तवील उम्र नहीं पाता कम उम्री में जो है डेथ हो जाती है और मुख्तलिफ अमराज में बीमार रहता है नाजिन मेरा काम जो है आप तक मालूम देना है मैं एक तलब इलम की हैसियत से आप तक ये मालूम दे रहा हूँ पाकिस्तान में जहाँ पूरी दुनिया में मुख्तल शुबों में हमारे खातिन हज़रा ने नाम रोशन किया है वहाँ जो है एक शोभा पामिस्ट्री का भी है जिसमें जो है मीर बशीर साहब एम ए मलिक साहब ने अपना नाम रोशन करके जो है पूरी दुनिया को पामिस्ट्री के हवाले से एक मैसेज दिया है आपको अच्छा लगे तो इस तलेब इलम की हौसला अफजाई कीजिएगा यूँ तो दिल की बीमारियाँ बेशुमार हैं लेकिन आपको बारह दिल की अमराज बताता हूँ जो अक्सर लोगों को पेश आती हैं और इनका फिर कुदरती इलाज भी बताता हूँ कुरान और हदीस से भी इलाज बताता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको इलाज बताऊँगा तो बारह अमराज जो हैं पहले नंबर पर है पेल्पिटेशन दिल का धड़कना दिल का ज़ोर से धड़कना नंबर दूसरा है इंजाना पैक्टोरस दर्द दिल नंबर तीसरा है सन्कोपी गशी आना गश आना नंबर फोर पर है ब्रेडी कमज़ोरी दिल नंबर फाइव पर है स्ट्रोक्स आडम्स डिज़ीज़ स्टोक्स आडम्स अटैक दिल का डूबना नंबर छः पर है टैकी कार्डिया दिल का तेज धड़कना नंबर सात पर है पैरी कार्डिटिस डिजीज़ दिल के गलाफ की सूजन नंबर आठ पर है एंडोकार्डटिस दिल की झिली का वर्म सोजश दिल नंबर नौ पर है मायोकार्डटिस दिल के उजला की सूजन नंबर दस पर है एथरोसकली रोसिस भी कहते हैं शरियनों की सख्ती शरियनों का तंग होना नंबर ग्यारह पर है हाइपोटेंशन खून के दबाव में कमी नंबर बारह पर है हाइपरटेंशन खून के दबाव की ज्यादती ब्लड प्रेशर का हाई होना और फिर बारह बीमारियों के अलावा जो है माइनर हार्ट अटैक मेजर हार्ट अटैक मैसिव हार्ट अटैक दिल के अमराज आपको क्यों होते हैं दिल के अमराज इसलिए होते हैं कि अल्कोहल की चीज़ों का इस्तेमाल करना पुराने अमराज भी हो सकते हैं इम्यूनिटी पावर की कमी भी हो सकती है मेन वजह इसकी डायबिटीज भी हो सकती है ब्लड प्रेशर भी हो सकता है जिसे हाइपर कहते हैं बेकरी मसनवात जंक फूड का इस्तेमाल करना कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती मोटापा उम्र का ज़्यादा होना आजकल तो नौजवानों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ऐश वशरत की ज़िंदगी बसर करना मेरे नबी वसल्लम ने फ़रमाया असलकुल्ल दाइन अलबर्दो हर बीमारी की असल वजह जिसम की ठंडक जम जाना रुक जाना जमूद है यानी सुस्ती है तो जब एयर कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे वाक नहीं करेंगे पार्कें गैर आबाद होंगी हस्पता तो फिर आबाद होंगे तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए रेगुलर जो है एक्सरसाइज ना करने की वजह जो है हार्ट अटैक दिल की बीमारियाँ बढ़ सकती हैं और इसी तरह जो है आ, एनिमल फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना केमिकल की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना शीशा स्मोकिंग गुटका पान का इस्तेमाल करना सिगरेट का इस्तेमाल करना ज़्यादा ग़ुस्सा से भी दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं परेशानी से भी हो सकती हैं किसी सदमा की वजह से भी हो सकती हैं पुराने अमराज लागूं तो फिर हो सकती हैं मोटापा और डायबिटीज जो है इसकी मेन वजह है इसलिए एक्सरसाइज आप कीजिए मेरे नबी ने फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्स रज़ी तन फरमाते हैं कि नबी सल्हल फ़रमाया इन्ना खैरा मातदा भई तुम बेहसूत हो वल दो वल्ल हजाम तुम जो इलाज करते हो इनमें से बेहतरीन इलाज नाक में दवाई डालना मुंह में एक तरफ दवाई डालना पछने लगाना यानी हिजामा करवाना और चलना है पैदल चलना है पैदल चलना भी एक बेहतरीन इलाज है तो दिल के अमराज से तब आप बचेंगे जब आप पैदल चलेंगे इंसानी जिस्म का सबसे खूबसूरत टुकड़ा अल्लाह ताला ने दिल को रखा है मैदा खराब हो हाथ कट जाए पाँव कट जाए इंसान जिंदा रह सकता है लेकिन दिल एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो इंसान की फौरी तौर पर डेथ हो जाती है हार्ट की दो लाइन हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं एक राइट क्रोनडीज आर्टिस्ट है आर सी ए राइट क्रोनडीज आर्टिस्ट और दूसरा लेफ्ट क्रोनडीज आर्टिस्ट ये दो मेन होती हैं दूसरी इसी साइड पर लेफ्ट साइड पर जो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है फिर आगे सर्कमफ्लेक्स फ्लेक्स है फिर आगे और बहुत सारी ऐसी आर्टिस होती चली जाती हैं तो जब दिल का अटैक होता है तो कोई एक लोथड़ा बनता है लोथड़ा बनता है तो जिस जगह पे लोथड़ा बनता है वहाँ खून जम जाता है तो दिल का अटैक हो जाता है अगर लोथड़ा किसी ऐसी जगह बनाओ छोटी ब्रांच में तो दिल का अटैक जो होगा वो छोटा अटैक होगा वो कम एरिया इन्वॉल्व होगा कम हिस्सा डैमेज होगा तो उसे हम माइनर हार्ट अटैक कहते हैं फ़र्ज़ कीजिए यहाँ जो है दिल का अटैक हुआ इस जगह पर ये आर्टिस इस इस पर अटैक हो गया या तो ये छोटा हिस्सा इन्वॉल्व होगा तो इसे माइनर हार्ट अटैक कहते हैं माइनर हार्ट अटैक में अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो प्रॉपर इलाज हो जाता है ना भी इलाज कराए तो कोई जरूरत नहीं है माइनर हार्ट अटैक के इलाज में जो है अगर आपको माइनर हार्ट अटैक होता है तो बेहतरीन इलाज तिब नबी में जो है मेरे नबी सरमायाफर और वालबी काल नबी वसल्लम ने फरमाया सफर जल फल खाओ क्योंकि ये दिल के दौरे को ठीक करता है और सीना से बोझ उतार देता है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलू सफर जुली या जबू कल सफर जल फल खाने से दिल पर से बोझ उतर जाता है दूसरा तिब नबी का बेहतरीन इलाज जो है मेरे नबी वसल्लम ने फरमाया काला रसूल लजी यकरा मिसलंजा री हुआ तयब व तय्यब अमा कलन नबी सल्ह वसलम नबी ने फ़रमाया वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल अतरज कितना है जिसकी खुशबू भी उमदा है और जय भी लतीफ़ और लजीज़ है सुबहानल्ला फिर नबी सल असलम फ़रमाया बिल्तराजी फ़ैनो यशुद्दुल्फवादा तुम्हारे लिए अतरज मौजूद है इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं ये दिल के दौरे की शिद्दत को कम करता है और दिल को मज़बूत करता है दूसरा इलाज तीसरा सिरका मेरे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन सालन है हजरत उम्मे साद रजी अल्लाह तन्हा फरमाती हैं कि मैं हज़रत आयशा के घर में मौजूद थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया हलमिन गायन कालत इंदना खुबजुन व तमरन व ख़ल फ़काल रसूल सल अल्लाह वेमाम मुबारिक फिर खल फ़ैन आदम्बियाई कबलीफ़ुर्बैतनफी खल नबी सल अल्लाह वसलम ने फ़रमाया हज़रत ऐशा से क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है उन्होंने फ़रमाया हमारे पास रोटी खजूर और सरक़ा है नबी सल अल्हम ने फ़रमाया सरका बेहतरीन सालन है ऐ अल्लाह तो सिरका में बरकत डाल कि ये मुझसे पहले नबियों का सालन था और वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद हो सुबह अल्लाह यहाँ सिरके का जिक्र भी आया रोटी का जिक्र भी आया खजूर का जिक्र भी आया तो ये तीनों सुन्नत नबी सल्ह है तीन इलाज चौथा बड़ी जुरत यकीन और दावे से कहता हूँ अर्जुन की छाल दुनिया का बेहतरीन इलाज अर्जुन का कहवा पितर है तो माइनर हार्ट अटैक का जो मर्ज है वो खत्म हो जाएगा इसको कंटिन्यू कर ले दूसरी बात हार्ट अटैक फर्ज कीजिए इससे ऊपर हो ये सिरकम फ्लेक्स है ये एल है या हो जाए हार्ट अटैक ये इस एरिया में इस एरिया में हार्ट अटैक हो जाए इस एरिया में इस एरिया में हार्ट अटैक हो जाए तो इसे मेजर हार्ट अटैक कहते हैं तो मेजर हार्ट अटैक जब होगा दिल का हिस्सा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ज़्यादा हिस्सा डैमेज होगा तो मेजर हार्ट अटैक में जो है अगर मरीज को बर वक्त हस्पाल ले जाया जाए तो बच भी जाता है बाजु तो लोग रास्ते में मर भी जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए बर वक्त तो इंसान की ज़िंदगी बच सकती है जब आपको मेजर हार्ट अटैक हो तो आप खांसी कीजिए जोर की फौरी तौर पर खांसी कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं इतनी खांसी कीजिए कि खांसते खांसते आपका चेहरा लाल हो जाए तो इससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं अगर फौरी तौर पर नीम गर्म पानी आपके पास पड़ा है तो वो आप पी लीजिए वो भी आपके लिए साथ ही बहुत मुफीद होगा ये फर्स्ट एड है आप हॉस्पिटल जाने से जो है यानी हॉस्पिटल में अगर लेट हो जाता है तो आप जो है मौत से बच सकते हैं जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है लेकिन आप अपनी केयर तो कर सकते हैं तीसरा हार्ट अटैक जिसे मेडिकल जुबान में मैसेफ हार्ट अटैक कहते हैं आपने सुना होगा रात को जो है एक शख्स सोया सुबह मुर्दा हालत में पाया गया तो मैसेफ हार्ट अटैक जो है बहुत ख़तरनाक है मैसेफ हार्ट अटैक कहाँ फ़र्ज़ कीजिए ये एल से पहले मेन आर्टिस के अंदर मेन आर्टिस के अंदर जहाँ से खून की सप्लाई शुरू होती है वहाँ अगर हार्ट अटैक हो गया तो ये भी गया ये भी गया और ये भी गया सब जगह खून की सप्लाई बंद हो गई और बंद हो गई तो इंसान की फौरी तौर पर डेथ हो जाती है अभी हाथ लगा अभी डेथ हुई रात को सोया सुबह मुर्दा हालत में पाया गया और इसको हस्पाल जाने का टाइम भी नहीं मिलता तो इससे आप कैसे बच सकते हैं मेनर हार्ट अटैक भी ना हो मेजर हार्ट अटैक भी ना हो और मैसेव हार्ट अटैक भी ना हो हार्ट अटैक होता क्यों है आमतौर पर दिल की शरियानों के अंदर जो है जो ये आर्टरीज हैं इसके अंदर जो है इंटरमल मेम्ब्रेन जो है उसके नीचे कोलेस्ट्रोल डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है आम तौर पर दिल की शरीनों के नीचे जो है कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होता है तो आहिस्ता आस्ता वो जो है शरीयाने तंग होना शुरू हो जाती हैं वहाँ एथ्रोमा बनता है एथ्रोमा बनता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते चले जाते हैं जब बढ़ते चले जाते हैं तो एक वक्त आता है ब्लड प्रेशर जब बग़ैर किसी वजह से वहाँ जो है वो अथरोमा फट जाता है खून के सल्ज आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वहाँ ब्लड क्लाट बन जाता है एक लोथड़ा बन जाता है लोथड़ा बनता है तो हार्ट अटैक हो जाता है हार्ट अटैक से आप कैसे बच सकते हैं मैसिफ हार्ट अटैक माइनर हार्ट अटैक मेजर हार्ट अटैक मर्ज कोई भी हो खतरनाक मर्ज है तो दिल के अमराज का इलाज जो है एक हज़ार तरीके हैं तिब्बनबी से इलाज के अल्लाह की कुदरती नमतों से इलाज के सबसे पहले तो आपके जिसम में कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट ना हो तो आ, कोलेस्ट्रोल जो है वो आपका 130 थर्टी होना चाहिए ट्राई गलेस्ट्राइड जो है 100 तक होना चाहिए एच डी एल जो है हाई डेंसी लिपोप्रोटीन जो है आ, मेल में जो है थर्टी फाइव से फिफ्टी फाइव तक होना चाहिए और फीमेल में जो है फोर्टी फाइव से सिक्सटी फाइव तक होना चाहिए और ब्लड प्रेशर जो है वन ट्वेंटी बाई एटी होना चाहिए डायबिटीज़ जो है जो फास्टिंग है हंड्रेड होनी चाहिए रेंडम जो है वन फोर्टी होना चाहिए अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे सारे गुना माफ़ कर देगा ये मेरे पास एक रिपोर्ट आई है गूगल से मैंने ली है ये रिपोर्ट जो है ये 2014 की रिपोर्ट है और मुख्तलि वेबसाइट पर यह मौजूद है ये सच्चा वाक्य आपको कोट कर रहा हूँ ना तो असलम बेग साहब से मेरा तल्लु है और ना ही मलिक रियाज साहब से तल्लु है लिखने वाले ने लिखा है यह आपको भी दिखा दिया जाएगा मैंने क्योंकि ज़ुबानी याद कर लिया है पढ़ना मेरा शौक़ है तो आपको मैं पढ़कर वैसे आपको सुना देता हूँ आर्मी चीफ़ एंड बिजनेस मैन क्योर हार्ट डिजीज़ यूजिंग अजवा डेट्स आर्मी चीफ और कारोबारी शख्सियत का दिल की बीमारी का इलाज अजवा खजूर से मलिक रियाज सफर्ड फ्राम हार्ट अटैक इन 1995 एंड द डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट थ्री ऑफ़ ऑफिस आर्टरीज़ वर ब्लॉक्ड एंड ही हैड टू डू एनजियो प्लास्टी मलिक रियाज को उन्नीस में दिल का दौरा हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपकी दिल की तीन शरियाने बंद हो चुकी हैं अब आपको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी मलिक रियाज वेंट टू लंदन फॉर कंडक्टिंग एंजियोप्लास्टी, प्लास्टी बट बिफोर डूइंग दैट ही मेट जनरल रिटायर मिर्ज़ा बेग द फार्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज एंजियोप्लास्टी प्लास्टी के लिए लंदन रवाना हुए लेकिन जाने से पहले उनकी मुलाकात जो है जनरल असलम मिर्ज़ा बेग साहब से हुई जो के سابقا गुजस्ता आर्मी चीफ रह चुके हैं तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग टोल्ड मलिक रियाज अबाउट अ रेमेडी बेस्ड ऑन तिवन नबी मेडिसिन द ऑफ द प्रॉफिट जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने मलिक रियाज को एक तरीका इलाज बताया जो तिवन नबी पर مبنی है हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज है द जनरल जनरल ने यह बात उन पर वाजे की कि उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ था जब वो 56 साल की उम्र के थे बट ही वांटेड टू कीप इट सीक्रेट बिकॉज दैट नेगेटिवली अफेक्ट हिज आर्मी करियर लेकिन उन्होंने इस बात को पोशीदा रखा आया नहीं किया क्योंकि जो आर्मी का कैरियर था ये बात उस पर मनफी असरा मुरतब कर सकती थी ही देयर फोर ये फैसला किया कि वो अपनी इस दिल की बीमारी का इलाज जो है तिब्व नबी से सम बॉडी टोल्ड हिम अबाउट द रेमेडी उनको भी इस तरीका इलाज के बारे में किसी ने बताया था ही स्टार्टेड यूजिंग द रेमेडी एंड ही रिकवर्ड विद अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने इस तरीका इलाज को शुरू किया और हैरान कतज हासिल किए ही एडवाइज मलिक रियाज टू यूज़ द रेमेडी फॉर वन मंथ बिफोर एनजियो प्लास्टी एंड देन गो फॉर लैब टेस्ट उन्होंने मलिक रियाज को नसीहत की कि एनजियो प्लास्टी से पहले एक माह तक इसको जारी रखें इसका इलाज करें और उसके बाद आप लैब टेस्ट करवा लीजिएगा ही इंसिस्टेड दैट इफ़ आफ्टर अ मंथ ही वुड रिकवर अदरवाइज ही शुड बी गोइंग देन फॉर एनजियो प्लास्टी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसको जो है एनजियो से कबल एक माह तक जारी रखें अगर आपको अफाका नहीं होता तो फिर बेशक आप एनजियो करवा लीजिएगा मलिक रियाज टुक असलम बेग एडवाइज़ एंड स्ट्राटेज यूजिंग द रेमेडी मलिक रियाज ने असलम बेग साहब की इस बात को माना इस नसीहत पर अमल किया और एक माह तक इसको जारी रखा आफ्टर अ मंथ एक माह बाद जो है मलिक रियाज वाज टेस्टेड बाय कार्डियोलॉजिस्ट एट अ हॉस्पिटल इन लंदन एंड ही वाज टू दैट ऑल हिज वर परफेक्टली ओके एक माह के बाद मलिक रियाज साहब ने जो है लंदन के एक अस्पताल में माहरे अमराज कल्ब से अपने टेस्ट करवाए और वो जानकर हैरान हो गए कि उनके टेस्ट जो थे वो हर तरह से क्लियर थे मलिक रियाज प्रेजेंटेड इज प्रीवियस टेस्ट टू द डॉक्टर्स बट हु डिड नॉट बिलीव इट टू बी फॉर द सेम पर्सन मलिक रियाज ने गुजशत अपने टेस्ट दिखाए जो कि एक माह पहले के थे लेकिन उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक ही शख्स की दोनों रिपोर्ट्स हो सकती हैं यानी एक माह पहले और अब की जो रिपोर्ट जो हैं उसमें पहले दिल की तीन शरीयाने बंद थीं और तिब नब्बी का नुस्खा इस्तेमाल करने से वो ठीक हो गए रिपोर्ट्स क्लियर आ गए सुबह अल्लाह मलिक रियाज रिटर्न टू पाकिस्तान एंड कंटिन्यूड यूजिंग द रेमेडी मलिक रियाज पाकिस्तान वापस आए और उसी तरीका इलाज को जारी रखा ही एड हार्ट टेस्ट अगेन इन 2009 बट नो प्रॉब्लम्स वर फाउंड उन्होंने अपने दिल के टेस्ट जो हैं 2009 में फिर करवाए लेकिन दिल की कोई तकलीफ वाजे नहीं हुई हर तरह से रिपोर्ट्स ठीक थी मलिक रियाज इज स्टिल यूजिंग द रेमडी एंड हैज़ एडवाइज मैनी ऑफ फ्रेंड्स एंड रेलेटि मलिक रियाज अब भी इसी तरीका इलाज को जारी रखे हुए हैं और दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताते रहते हैं मिर्जा असलम बेग इज़ आल्सो यूजिंग द सेम रेमडी एंड ही इज़ मोर देन एटी फाइव ईयर्स ओल्ड मिर्जा असलम बेग अब भी इसी तरीक़ा इलाज को जारी रखे हुए हैं और अब वो पचासी साल के हो गए हैं लेकिन ये दो हजार चौदह की रिपोर्ट है अब वो नाइन्टी टू ईयर्स के हो गए हैं हज़रत वा द फर्स्ट मुस्लिम जनरल हु सफर द हार्ट अटैक ड्यूरिंग अ बैटल ही सडनली फेल्ट पेन इन इज हार्ट एंड वेन द प्रोफिट विज बी अ पान इम केम टू नो अबाउट इट ये वो सारी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको सुनाई है दलील पेश की है कि जो अल्लाह के नबी की मानते हैं अल्लाह भी उन्हें सेहत देता है कि मुहमदन से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं टू माई मोहम्मद बी ब ट्रू एंड यू हैव कंक्योर्ड मी वर्ल्ड इज़ नथिंग यू विल कमांड माई पेन ऑफ डेस्टनी और नुस्खा उन्होंने कहाँ से लिया तिब नबी का नुस्ख़ा है पहले सहाब रसूल हज़रत साद मी नबी वकास जिनको जंग के दौरान जो है दिल का अटैक हुआ हदीस नबी है मैं पढ़ता हूँ उसका तर्जमा भी करता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज ये दो लोगों का मैंने इसलिए बताया ये भी हयात हैं दीस टू आर स्टिल अलाइव एंड मे बी कंटेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अथेंटिकेशन जितने भी दिल के मरीज हॉस्पिटल में फिर रहे हैं ना कोई बंदा आज तक ठीक नहीं हुआ कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा से हस्पाल से सीधा लोग कब्रिस्तान में जाते हैं कोई तो 10 साल दवाइयाँ खाता है कोई पंद्रह साल का आता है कोई बीस साल का आता है और कोई दो महीने में चल बसता है तो आप दवाइयों से बच जाइए मरिस्तो मरज़न अतानी रसूल सल्हस फवाजा यादा बैना सादबी हत्ता वजो बरदहा अला फवादी फकाला इन्ना का राज उदातिल हा रिब ने अखा शकीफो यू तब्ब वो फल या खुद सब आतमारातिन मिन अजबिल्मीनती फ़ल यजा यजाह बे नवााहिन सलदिलू का बेहन अमा कल नबी हजरत साद बिनबी वकास खुद फरमाते हैं कि मैं बीमार हुआ मेरी अयादत को रसूल सल्ह वसलम तशरीफ़ लाए उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों के दरम्यान रखा और उनके हाथ की ठंडक जो है मेरी सारी छाती में फैल गई फिर फरमाया इन्हें दिल का दौरा हुआ है इन्हें हारिस बिन कुल्दा के पास ले जाओ जो सकीफ़ में मतब करते हैं हकीम को चाहिए मदीना की सात अदद खजूरें गुठलियों समेत पीस कर इन्हें खिलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज भी बता दिया तबीब के पास भी भेज दिया और साथ में ताकीद भी फरमा दी हुक्म भी फरमा दिया अल्लाह यही तरीक़ा इलाज जो है आज पूरी दुनिया में राइज है पूरी दुनिया में कामयाब है दिल के मरीजों के लिए दुनिया का बेहतरीन इलाज इस तिब नबी में मौजूद है मैं आपको आज बताता हूँ कि कुरान की वो कौन सी आयात थी जिनसे जो है पुराने बड़े बड़े अतब्बा उलमाए कराम मुफसरीन माहरीन महक जो इलाज करते थे सफरे जल फल पर दम कीजिए इफ यू हैव एनी हार्ट प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी हार्ट डिजीज ब्रीथान सफरे जल फॉर आल हार्ट डिजीज आर मिक्स uh, अर्जुना डिकॉक्शन विद हनी ब्रीथ ऑन दिस वस सूरा अर्राद आयत नंबर अट्ठाईस सूरा अल आयत नंबर नाइन्टी सेवन ये दोनों पढ़ लीजिए अबालाद्रुद इब्राहिमी बिस्मिल्लाह पढ़कर ये दो मरतबा पढ़कर सफ़रे जल फ्रूट पर दम कीजिए या अर्जुन का कहवा बनाकर एक कप उस पर दम करके पी लीजिए इन जरूर शिफा देगा तो मैं पढ़ता हूँ बिसमिल्ल हिर वाला कद नालमो अन्ना का यज़ीक व सदरु का बिमा यकूलून बसमिल्ला अल्लाह ज़ीना आमू व तत्मा क्लू बम बेज़िक्र अला बिक्र ही इन्नोल ततमू ये पढ़कर दम कीजिए और पी लीजिए मेरा एक महाना मैगज़ीन भी आ रहा है आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और मुल्तान से भी आप मंगवा सकते हैं मेंबरशिप लेना चाहें तो उसका भी डिटेल्स से उसमें मैगज़ीन में लिखा हुआ है उसमें जो है हर मर्ज़ पर जो है कुरान और हदीस की रोशनी में चीज़ें मौजूद हैं हज़ारों मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर नेक्स्ट मेरे लेक्चर जो हैं दिल के अमराज़ पर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर